हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, पशु पालकों को एक जो दिक्कत है वो आमतौर पर देखने को आती है, जो पशु के पेशाब के अंदर लाल रंग आना स्टार्ट हो जाता है, पशु काफ़ी कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आज हम बात करेंगे सोडाफोस की। दोस्तों, जो सोडाफोस है वो जेनेक्स कंपनी के द्वारा, जो पहले की जाइडस कंपनी के द्वारा बनाई जाती थी, ये मार्केट के अंदर 500 ग्राम की पैकिंग के अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर जो मेन रूप से सोडियम एसिड फॉस्फेट है वो डाला गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। जिसका मेन काम है वो जो पशुओं के पेशाब के अंदर खून आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम PPH कहते हैं, पोस्ट पार्टूरेंट हीमोग्लोबिनुरिया। इसके अंदर जो RBC सेल्स हैं वो टूट टूट के पेशाब के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर पशु के अंदर काफ़ी अनीमिया हो जाता है, जिस कारण आमतौर पर देखना को आया है पशु मर भी जाता है और पशु के अंदर काफ़ी कमजोरी हो जाती है, उसका जो अपने मिल्क लेवल है वो भी काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इसका जो मेन काम है, ज़्यादा डॉक्टर इसको सोडाफोस को इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर पशु को मिल्क फीवर हो चुका है तो भी उसके अंदर रिकवरी के लिए, या पशु को आप देखते हो दूसरे पशु को है पेशाब सब पीता है या दीवारों के अंदर चाटता है, जिसको हम पाइका कहते हैं, तो पाइका के मैनेजमेंट के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अलावा पशु का जो कंसेप्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए भी आप सोडाफोस दे सकते हैं। इसके अलावा पशु का दूध बढ़ाना है और साथ में जैसे जैसे आप पशु को सोडाफोस देने स्टार्ट करेंगे, पशु के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस है वो काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पशुओं की जो सेहत है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। अगर पशु के अंदर कोई बीमारी है फिर तो जो इसकी डोजेज है वो 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम ही शाम को बड़े पशु के लिए। इसके अलावा जो छोटे पशु हैं उनको आप बॉडी वेट के हिसाब से 20 से 30 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, छोटे बछेरियों के लिए और कई बार कुत्तों के लिए भी देखने को आया है कि डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, तो उसके अंदर 5 से 10 ग्राम इसी डोज होती है। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन के अंदर देना चाहते हैं तो इसको 10 ग्राम जो सोडाफोस है उसको 1 किलो फीड के अंदर मिला के दे सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी मेडिसिन के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको आप लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।